धर्मपुरी में कुछ दिन पहले नगर के सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए परिवार जनों के सहित कुल 55 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। 12 मई व 13 मई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार धर्मपुरी नगर के एक ही घर के 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई थी। हालांकि सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ थे, उनमें अब तक कोई लक्षण कोरोना के दिखाई नहीं दिए थे। जिन्हें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से धार अस्पताल भेजा गया था। आज दिनांक 21 मई को उन्हें धार से डिस्चार्ज किया गया। वहीं धर्मपुरी के पहले कोरोना मरीज फिरदौस खान भी आज इंदौर के MY अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। आपको बता दें कि धर्मपुरी के फिरदौस खान के नाम से कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी, लेकिन आज वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही क्वारंटाइन किए हुए परिवारजनों के सहित सभी अन्य लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। घर लौटे सभी लोगों का नगर वासियों द्वारा अलियां बजाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अब धर्मपुरी में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। कैमरा पर्सन तोशिफ शेख के साथ सैयद जफर अली की रिपोर्ट। बहुत अच्छा इलाज है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या क्या सुविधा मिली और किस तरीके से आपका इलाज हुआ? दवा गोली सब तरह आराम था, खाना पानी सब हाथ में मिलता था। अभी आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? स्वस्थ हूँ। धर्मपुरी नगर के लिए राहत भरी खबर। धर्मपुरी नगर के 9 कोरोना पॉजिटिव जो कि नेगेटिव होकर आज धर्मपुरी पहुंचे। नगर में खुशी का माहौल देखने में आया। सभी नगरवासियों ने ताली की गड़गड़ाहट के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सभी लोगों को होम आइसोलेशन किया गया है, वहीं सभी लोग स्वस्थ बताए जा रहे हैं। धर्मपुरी से कैमरा पर्सन कौशिक शेख के साथ सैयद जफर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।